छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रबुद्ध जनों को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने सबका साथ सबका विकास के साथ देश का मान बढ़ाया है। उसी का परिणाम है कि मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटें भाजपा जीत रही हैं। सिंगरौली के अटल बिहारी सामुदायिक भवन में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित किया। कार्यक्रम में डॉक्टर, अधिवक्ता, शिक्षक, व्यवसायी और अन्य प्रबुद्ध जन उपस्थित थे। प्रबुद्ध जनों को संबोधित करते हुए साय ने कहा, मैं अपने बड़े भाई मध्य प्रदेश की धरती पर आया हूँ। यहाँ भी भाजपा को सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास मिला है। आने वाले लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से 29 सीटों पर भाजपा की जीत होगी और फिर से एक बार फिर मोदी सरकार बनेगी। आज मेरा सौभाग्य है कि हम अपने पुराने घर में आए। आज आप लोगों के बीच आकर हमको लग नहीं रहा है कि हम किसी दूसरे प्रदेश में हैं और छत्तीसगढ़ आप लोगों का छोटा भाई है। 2000 तक हम लोग एक साथ थे। 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ आज अलग बना तो हम लोग अलग हुए, लेकिन आज भी हम लोग के बीच में आत्मीयता है। आज भी छत्तीसगढ़ के लोग यहाँ हैं। यहाँ पर जो जिला संगठन की प्रभारी है, हमारे रायपुर की बेटी है, एक और महिला मोर्चा की बहन बता रही थी कि उनका भी मायके छत्तीसगढ़ है। मध्य प्रदेश के लोग भी छत्तीसगढ़ में रहते हैं, तो आज भी हम लोग अलग नहीं। अभी कैबिनेट में वो हुआ है, मैं पूछी भी कि कितने हेक्टेयर हमारे यहाँ सिंचाई का साधन भी हो गया है। अभी आएंगे 7 तारीख को हमारे मुख्यमंत्री आए हैं, जो आप लोगों से निर्देश मिलेगा हमारे जो सामने बैठे हैं कि क्या क्या हमारे सिंगरौली जिले में होना चाहिए, उसके लिए भी हम मांग करेंगे। जितने भी हमारी अभी नई नई बहुत सारे मोदी जी कार्यक्रम चला रहे हैं सभी जानते हैं, मैं कुछ नहीं बताऊंगी क्योंकि 2 मिनट का समय है। जय भारत। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।